माननीय उपसभापति जी, दिल्ली में प्रदूषण की परेशानियों से किस तरह से निजात पाया जाए, जिससे लोगों के जनजीवन पर, स्वास्थ्य पर और रोज़मर्रा के कामों पर उसका असर न पड़े। बात दिल्ली की है, परंतु यही बात हमारे देश में और दुनिया में भी लागू होती है। अखबारों में इन सर्दियों में समाचार छपे, स्मॉग चैम्बर में तब्दील हुई दिल्ली, 469 तक पहुंच गया वायु गुणवत्ता का इंडेक्स। अब ये कोई एक दिन में हुआ होगा ऐसा नहीं है। मैं सन 80 से दिल्ली में 7वीं लोकसभा से चुन करके आता रहा हूं, और दिल्ली को मैंने बहुत स्वच्छ देखा है, अच्छा देखा है, पार्लियामेंट के आसपास के पर्यावरण को भी अच्छा देखा है। तो समय के साथ साथ ये प्रदूषण बढ़ता गया, और इसके रोकथाम के उपाय हमें ज़्यादा तेज़ी से करना होंगे, क्योंकि ये एक मर्ज है। ऐसा ना हो कि हमने दवा की और मर्ज बढ़ जाए। उसके पर्याप्त उपाय करने के लिए, और डॉक्टर हर्षवर्धन बैठे हैं, निश्चित रूप से वो स्वास्थ्य के बारे में और बाकी के दिल्ली के बारे में वो ज़्यादा जानते हैं, और इसलिए मैं कह सकता हूँ कि बात दिल्ली की है परंतु सारे देश की है। हमने इस सारे काम को करने के लिए बहुत सारे उपाय भी किए हैं, और ये जो पर्यावरण का जो स्तर है दिल्ली में, जैसा कहा गया था कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु की गुणवत्ता का स्तर एक बार फिर सीवियर यानी बेहद गंभीर हो गया है। अधिकतम ये दिल्ली का AQI 469, जबकि गाज़ियाबाद और नोएडा का AQI अधिकतम 500 स्तर पर रिकॉर्ड किया गया। पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण ने भी दिल्ली और NCR के सभी राज्यों को सतर्क कर देने के निर्देश दिए हैं। तो ये स्मॉग फाग से कुछ अलग है, फाग तो होता ही रहता है सर्दी के दिनों में, ये जब ठंड हो जाती है, और यदि इस पर नियंत्रण करने के लिए हम उपाय भी करते हैं, रेलगाड़ियों की रफ्तार रुक जाती है, उससे हवा जहाज का उतरना चढ़ना ये सारा प्रभावित हो जाता है। तो ये सारी बातों का हमें अंदाज है, किंतु जब ये डस्ट पार्टिकल्स, और जिनका आकार बहुत न्यून होता है, छोटा होता है, वो उसमें मिल जाते हैं, धुएं के कण जो उसमें मिल जाते हैं छोटे होते हैं, ये जितने ज़्यादा बढ़ते जाएंगे उतना और खतरा जाएगा, और इसलिए इसको कैसे खतरा इसको कम कैसे किया जाए उसके उपाय करने की ज़रूरत है। और इसलिए इसके बचाव के उपाय करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, ये राज्य सरकार का मामला होगा, ये केंद्र का मामला होगा, ये आदमी की ज़िंदगी का मामला भी है, और इसलिए आदमी को कैसा हम सुरक्षित और स्वस्थ रख सकते हैं, इसके लिए हमें प्रभावी उपाय करने की आवश्यकता है। ऐसे भी बिजली घरों से निकलने वाला, जो हम जानते हैं कि कोयला के बिजली घर से और जो कोलेश निकलती है, कोलेश जो होती है उसका जो गैस निकलता है, कारखानों से जो सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन ये निकलता है, तो इसके कारण से क्लोरीन निकलता है, ये जो गैसेस हैं ये फेफड़ों को ख़राब करती है और उससे बड़ा नुकसान हो जाता है। तो ये एसिडिक कैरेक्टर भी होता है, तो इनके कारण से गैसेस के भी प्रॉब्लम बढ़ जाते हैं। तो ये सारी बातें स्वास्थ्य से संबंधित भी है, और इसलिए दिल्ली का स्वास्थ्य अच्छा रहे ये ज़रूरी है, और इसके लिए सब प्रकार से उपाय करना चाहिए, और इसके जो प्रदूषण के स्तर है वो भी मापने के हमने उपाय किए हैं। हमारे दिल्ली में भी इसको लागू करने के लिए और काफ़ी प्रयास किए गए हैं। इस योजना में विदेशों में भी काफ़ी उपाय किए जाते रहे हैं, और उन उपायों के अंतर्गत निश्चित रूप से जितना हमने उपाय किया है उससे हमने देखा है कि जो स्टेशंस बनाए जाते हैं, जो इसका मापन करते हैं, इसको और बढ़ाने की आवश्यकता है। लेज़र लाइट के माध्यम से भी इसको नियंत्रण करने के लिए उपाय किए जाते हैं, उसके भी बातों को, उसकी जांच करने के उपाय करने की आवश्यकता है। किंतु जांच तो हम सब प्रकार की कर रहे हैं, किंतु इन जांचों से क्या हमें लाभ मिलने वाला यह है, तो इसका उपचार कैसे किया जाए। हमारे यहाँ पर NGT है, वो हमेशा सलाह देती रहती है, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, पर करने के लिए जो उपाय चाहिए उसके बिना वो सारी बातों के फैसले और लागू नहीं होने के कारण से वो अप्रभावी हो जाते हैं। हमारा
पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रक प्राधिकरण भी है, वो समय समय पर हमको चेतावनी देते रहता, बात बताते रहता है। ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान है, क्या उपाय करना चाहिए, गाड़ियों का इवन और ऑड ऐसा गाड़ियां चलाना चाहिए, गाड़ियों को कम करना चाहिए। अब ये चाहिए तो सभी कुछ है, परंतु होगा कैसे इसके बारे में यदि सब मिलकर के बात करें, और जैसा अभी एक सुझाव आया था कि लोगों को इसमें साझेदार बनाना चाहिए, पब्लिक पार्टिसिपेशन इज मस्ट। किस तरह से हम लोगों को इस बारे में जागरूक कर सकें, और इसलिए हमने देश में जैसा स्वच्छता अभियान चलाया है, और उसके कारण से आज आदमी कहीं भी कचरा करने के बारे में या कचरा फेंकने के बारे में सोचता है, उसी प्रकार से हमने पर्यावरण के बारे में भी और जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता है। और यदि कहीं ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है तो उसको रोकने के लिए उपाय करने के, कानून बने हुए किंतु उसका प्रभावी उपयोग नहीं हो पाता है, और इसके कारण से जहाँ जल प्रदूषण है, वायु प्रदूषण होता है और ध्वनि प्रदूषण होता है, ये सारे नियम है, कानून है, परंतु इसको प्रभावी रूप से लागू करने के लिए जो एजेंसीज हैं हमारी, वो ज़्यादा प्रभावी होने की आवश्यकता है। और इसलिए इन सारे कामों को करने के लिए जिस तरह से हम काम करना चाहेंगे, जैसा मैंने कहा था कि एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशंस जो हमारे यहाँ पर अभी दिल्ली में 38 है, लंदन में 115 बनाए गए हैं, तो ऐसे जांच के स्तर पर बात करने के लिए और कर सकते हैं। पुलिस भी और ट्रैफिक की पुलिस भी प्रदूषण के बारे में या प्रदूषण के जो लोग हैं वो भी इस बारे में गाड़ियों की जांच करते रहते हैं कि ज़्यादा प्रदूषण तो नहीं हो गाड़ी को, प्रदूषण मुक्त का ऐसा भी वो एक लेवल दे करके गाड़ियों के बारे में और उसको सर्टिफिकेट देने का काम करते हैं। तो ये सारी बातें हैं जिनको कि ठीक प्रकार से लागू करने की आवश्यकता है, और इसलिए यह जो हमारा पर्यावरण का काम है इसको बहुत प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए हमें विविध प्रकार के उपाय करने होंगे, तब जा कर के इससे हमको निजात मिलेगी। हम जानते हैं कि ये जो सफाई का कचरा है, अब ये काम जो है गाँव में ग्राम पंचायत किया करती है, नगर पंचायतें करती है, ग्राम पंचायत करती है, नगर पालिकाएँ करती है, कॉरपोरेशन किया करते हैं, परंतु उनके पास संसाधन के अभाव के कारण से यह जहाँ जगह जगह उस कचरे को जलाने का काम होता है, अब जलाए नहीं तो उठाए कैसे। तो यह जहाँ जहाँ अच्छी व्यवस्थाएं हैं वहाँ प्रदूषण कम भी होता है, परंतु ये प्रभावी रूप से सार्वदेशिक रूप से लागू करने के लिए इसको हमें करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है। मनुष्याणाम नराणाम आयु वर्षतम परमितम, 100 वर्ष की आयु ऐसा हमारे यहाँ पर कहा गया, पर अब 100 वर्ष तक कौन जीता है। और इसलिए पर्यावरण की शुद्धि करने के बाद ही हम ये आश्वस्त हो सकते हैं कि इस प्रकार से जो लॉन्जेविटी है हमारी, हमारी ज़िंदगी की जो उम्र जितनी हमको मिली है, और उसको करने के लिए हम उपाय करें। ऐसे भी इस विषय पर किसी का विरोध नहीं है, मुक्त सरसी है ये ज़िंदगी काम करने के लिए, वक्त लाते हैं कहाँ से लोग विरोध करने के लिए, तो ऐसा विरोध का इसमें किसी का विरोध होना ही नहीं चाहिए। अब इसलिए हम सब मिलकर के ये उपाय करें कि जैसा नरेश जी बोला करते हैं कि हम सब मिलकर के करें, तो मिलकर के कभी तो करते हुए दिखाई देना चाहिए ना। हाँ, कोई नहीं करता है परंतु करते हैं, तो करने के अपने अपने तरीके हैं। तो ये हम इस सारे कामों को करने के लिए जिस तरह से उपाय हमको करना है उसके लिए हम करना चाहिए। निश्चित रूप से फसल के बारे में कहा गया, अब फसल के बारे में किसान परंपरागत रूप से उसको जलाते आता है क्योंकि उसमें उसको ज़्यादा परिश्रम नहीं लगता है, श्रमिकों की सारी बातें हैं, उस प्रकार की मशीनें ईजाद नहीं हुई, अब मशीनों से कटाई होती है और डंठल रह जाते हैं, खर्चा बढ़ता है किसान का, खर्चा बढ़ता है, कोई परेशान की टाइम बढ़ता है। पहले तो दराते से काटते थे तो नीचे से भी काटा जा सकता था। तो ये सारी बातों में जैसे जैसे आधुनिकीकरण आया है वैसी वैसी परेशानियाँ भी आई है, और इसलिए किसान के साथ किस प्रकार से कहा जाए, क्योंकि गलती केवल उसी की नहीं है, तो ये बहुत सर्वांगीण रूप से इस सारे विषयों पर विचार करने के लिए हमें उपाय करना चाहिए। ऐसे हमारी सरकार ने बहुत सारे उपाय भी किए हैं, और जैसा कि हमारे घरों में जो चूल्हा जलता था उस चूल्हे के कारण से जो प्रदूषण होता था, और उसके कारण से लोगों को जो हमारी महिलाओं को बहनों को जो कठिनाइयाँ होती थी, उसमें उज्ज्वला योजना के माध्यम से 3 करोड़ परिवारों को, और हमने इस प्रकार से और गैस के चूल्हे और बाकी का सहायता देने का काम किया। इस प्रकार की सरकारी सहायता को लोगों तक पहुंचाने का, जागरूकता को लोगों तक पहुंचाने का उपाय हमको निरंतर करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम ये सारी बातों को कह सकते हैं। और जैसा मैंने कहा है कि ये सारी बातों को पर्यावरण के साथ जोड़ करके जागरूकता बनाने के लिए हम, जैसे मैंने जैसा कहा कि पावर हाउसेस के बारे में, अभी भी हमारी ऊर्जा जो बिजली है वो कोल पर ही निर्भर है, थर्मल पावर स्टेशन पर, अब जिसको हम वैकल्पिक रूप से कैसे कर सकते हैं, तो चूंकि वो तो बहुत बड़ा नुकसान होता है, और अभी भी 80%
निर्भरता हमारी इस पर बिजली की उत्पादन की जो है और कोल पर ही प्रायः है, तो इसका वैकल्पिक क्या हो सकता है, नवीन ऊर्जाकरण के सूत्र क्या हो सकते हैं। तो ये सर्वांगीण रूप से सब प्रकार से ये समाज के प्रगति के साथ विकास के साथ साथ जुड़ा हुआ प्रश्न है और इस प्रश्न को समाधान करने के लिए निश्चित रूप से हमें संयुक्त रूपेण और उपाय करने की आवश्यकता है। हमारी अपनी जो गाड़ियों के बारे में कहा गया है, अब गाड़ियाँ हर एक आदमी के पास, हर परिवार में जो संपन्न है उसके पास अपनी अपनी गाड़ियाँ हैं। अब वो गाड़ियाँ तो है पर जगह कहाँ है, हमने मेट्रो बना दिया फिर भी जगह नहीं है। अभी यदि यहाँ किसी को अपनी यात्रा करना हो रेलवे स्टेशन तक तो पहुँच ही नहीं पाता है, वो कहीं रास्ते में उतरेगा दौड़ करके जाकर रेल पकड़ना है। आने वाले 10 वर्षों में कैसा होगा इसका अंदाज हम लगा सकते हैं। हवाई जहाज पर किसको जाना है, तो निश्चित रूप से हम जब कहीं ऐसी जगह फंस जाते हैं जहाँ निकलना ही मुश्किल हो गया है, तो ये सारी बातों का इंतज़ाम करने के लिए बहुपक्षीय जहाँ जहाँ जो प्रभावित करने वाले पक्ष हैं उसमें करना पड़ेगा। और इसलिए प्रदूषण जो जहाँ जहाँ हो रहा है, जिस जिस प्रकार का हो रहा है, उससे मुक्ति पाने के लिए उपाय हमको करना है। और इसलिए प्रदूषण हम स्वयं ना करें, अपने आप को नियंत्रण आत्म नियंत्रण करने का उपाय करें। तेन तक्ते न बंधित, हमारे यहाँ का है त्याग पूर्वक भोग करना है। अब ये बड़ी आदर्श बात है, परंतु त्याग हो तो भोग से मुक्ति पाएँ, परंतु त्याग होता नहीं है और भोग से हम मुक्त होते नहीं हैं। परंतु ये कुल मिलाकर के ये जो हमारे यहाँ पहले उपदेश किए गए थे वो आज भी सार्थक हैं। प्रदूषण न करने दें, न होने दें। अब हम किसी से जाकर झगड़ा तो नहीं कर सकते कि आप ये मत जलाइए या आप ये ध्वनि प्रदूषण मत करिए, और उसको रोकने के लिए कोई उपाय है नहीं, क्योंकि प्रदूषण के अंदर भी रोकने के उपाय दिए गए हैं, परंतु उसमें भी प्रदूषण हो गया है। और इसलिए उस मैकेनिज्म को भी हमें बार बार जांचना होगा, क्योंकि जिन लोगों को प्रभावित करने के विभिन्न प्रकार के उपाय होते हैं वह सब ऐसे सारे सामर्थ्यवान लोग उन सारी बातों को करते रहते हैं और उन रोकने का सामर्थ्य संभवतः जुटाते नहीं। जैसे हम एक्सीडेंट होते हुए किसी को उठाने के अंदर डरते हैं और उसकी सहायता करने में हम विलंब करते हैं जिससे उसकी ज़िंदगी खतरे में पड़ जाती है, उसी प्रकार से प्रदूषण को रोकने के लिए जितने भी खतरे हैं उनको रोकने के लिए हमें खतरा लेना होगा। और जब तक हम खतरा नहीं उठाते हैं, थोड़ा थोड़ा करके इसको नहीं उठाते हैं, तब तक हम इसको पूरा करने के लिए, इसको मुक्त करने के लिए और हमें संकल्प की आवश्यकता है। मैं चाहता हूँ कि हमारे माननीय मंत्री जी इस सारे बारे में और सरकार भी जिस प्रकार से अभी उपाय कर रही है सकारात्मक रूप से इसमें उपाय करें और प्रदूषण को मुक्त करने के लिए दिल्ली से ही और देश से भी प्रदूषण मुक्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के उपाय करें। मैं इनकी इस काम के लिए, इनकी सफलता के लिए शुभकामना करता हूं और अपना वक्तव्य यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद। थैंक यू श्री जयतिया जी, थैंक यू वेरी मच।